देखिए जिस टीम में धोनी जैसे प्लेयर हो वो टीम कभी हार सकती है वलीद। देखिए इस साल में एक दफा वो ग्राउंड में आता है और ग्राउंड में धोनी हो जाती है, विराट कोहली या ग्लेन मैक्सवेल पूरा साल खेलते हैं, उतनी ज्यादा हाइप उनकी नहीं बनती जितनी धोनी की बन जाती है। शिवम दुबे जो कि पिछले साल के हीरो थे, इंडियन टीम से भी खेल लिया, ये लड़का तो रुकी नहीं रहा। ये लड़की को वैसे ही गुजरात बड़ी पसंद है, गुजरात के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाता है, बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की बल्लेबाजी खेल के की है। अब जरा लिस्ट सुनिए, लिस्ट सुनने से पहले मेरा शिकवा ये है कि पूरा क्राउड एम एस धोनी को देखने आता है और एम एस धोनी आते ही नहीं है। 8 बॉल डैली हुई थी, उन्होंने समीर रिजवी को भेज दिया आप चले जाओ, लेकिन वो खुद नहीं आए, भला खुद आ जाते, चले रिजवी ने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन जो धोनी को देखने का एक चांस था वो रह गया। माय गॉड अनदर क्रिकेट थ्रिलर ऑफ दिस आईपीएल। ये आईपीएल तो जैसी हमारी प्रेडिक्शन है प्रो मैक्स से भी प्लस 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 लेवल का हो रहा है, रोज थ्रिलर और इस तरह के भाई के कोई भी जीत सकता है। ये आज इस तरीके से ग्राउंड में साल में एक दफा धोनी ग्राउंड में आता है, ठीक है, और थाला थाला के नारे से स्टेडियम गूंज उठता है। देखें जिस तरीके से येलो आर्मी ने आगे कब्जा किया स्टेडियम पे, जो बैटिंग किया ना शिवम दुबे ने भाई, कमाल, लाजवाब, आउटस्टैंडिंग बैटिंग भाई। और साथ में जो है वो समीर रिजवी, ये अपना पहला मैच खेल रहा था, सारे वेट कर रहे थे यार कि जो है वो डैरिल मिचेल आउट हो जाए और एमएस धोनी बैटिंग के लिए आए, हम जो है एमएस धोनी को बैटिंग करते हुए देखें, लेकिन एमएस धोनी ने अपनी जगह पे समीर रिजवी को भेज। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, स्वागत है आपका सुपर पावर इंडिया न्यूज में। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि सीएसके ने आईपीएल 2024 में लगातार दूसरी जीत दर्ज कर लिया। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि गुजरात टाइटंस को बुरी तरह से और आसानी से सीएसके ने हरा दिया है। इस मैच में जैसे कि आप सबको पता है कि शुभम दुबे और रचिन रविंद्र ने काफी तेज बल्लेबाजी की है और यही कारण है कि सीएसके ने शानदार और आसानी से इस मैच को जीत लिया है। और यही कारण है कि पाकिस्तानी मीडिया जमकर तारीफ कर रही है सीएसके, खास करके महेंद्र सिंह धोनी की। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन इस वीडियो में। एक से बढ़कर एक प्लेयर, अभी सिर्फ और सिर्फ ये छठा सातवां मैच है आईपीएल का और मेरी जो लिस्ट है वो भर्ती में भर्ती जा रही है। अभी इतने प्लेयर्स को हमने डिस्कस किया, एनालाइज किया कि ये इंडिया के फ्यूचर के लिए आ सकते हैं। अब एक और प्लेयर का नाम लिख लिए, नाम है इसका समीर रिजवी। जी हाँ, चेन्नई सुपर किंग्स ने जब ऑप्शन चल रही थी तो इस प्लेयर को पिक किया था, तकरीबन मेरा ख्याल है 8 करोड़ रुपया दिया गया था और मैंने तब भी सवाल किया था ये लड़का कौन है, अननोन बंदे के ऊपर इतना पैसा क्यों खर्चा किया है। तो उसको भी लोगों ने बताया था कि ये डोमेस्टिक के अंदर तबाही बल्लेबाजी करता है और मैं दिल से चाहता था इसको देखना। और आज जब इसने पहली बॉल अपने आईपीएल की खेली और पहली बॉल के ऊपर दुनिया के नंबर 1 बॉलर, T20 के नंबर 1 बॉलर को उसने छक्का मारा है, समीर रिजवी ने मेरा दिल उस टाइम से ही जीत लिया। शानदार किस्म की बल्लेबाजी की है, सिर्फ और सिर्फ इसने 14 रन किए अभी 6 बॉलों के ऊपर, लेकिन दिल खुश करके रख दिया। इससे पता चलता है कि इसके अंदर कितना पोटेंशियल है और इसको आगे जाके कितने, जिसको कहते हैं ना, इसका ब्राइट फ्यूचर होगा। इसी के साथ साथ शिवम दुबे जो कि पिछले साल के हीरो थे, इंडियन टीम से भी खेल लिया, ये लड़का तो रुकी नहीं रहा। ये लड़की को वैसे ही गुजरात बड़ी पसंद है, गुजरात के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाता है, बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की बल्लेबाजी खेल के की है। अब जरा लिस्ट सुनिए आप, लिस्ट सुनने से पहले मेरा शिकवा ये है कि पूरा क्राउड एम एस धोनी को देखने आता है और एम एस धोनी आते ही नहीं है। 8 बॉल डैली हुई थी, उन्होंने समीर रिजवी को भेज दिया आप चले जाओ, लेकिन वो खुद नहीं आए, भला खुद आ जाते, चले रिजवी ने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन जो धोनी को देखने का एक चांस था वो रह गया। तो सिर्फ एक टैग चेंज किया है कि महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन नहीं है, लेकिन हकीकत में कैप्टन टीम के वही है। मतलब एमएस धोनी का जहाँ नाम आता है वो सारी लीग से ऊपर का नाम है, तो उसको तो बंदा रिस्पेक्ट करता ही है, उसको तो बंदा ये नहीं कह सकता सर आई लव यू, उसको कहे सर आई सैल्यूट यू। उसके बाद जो DRS सिस्टम है वो धोनी व्यू सिस्टम है, ठीक है, वो डिसीजन व्यू सिस्टम नहीं है। देखिए जिस टीम में धोनी जैसे प्लेयर हो वो टीम कभी हार सकती है वलीद। देखिए इस साल में एक दफा वो ग्राउंड में आता है और ग्राउंड में धोनी हो जाती है, विराट कोहली या ग्लेन मैक्सवेल पूरा साल खेलते हैं, उतनी ज्यादा हाइप उनकी नहीं बनती जितनी धोनी की बन जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार चेन्नई सुपर किंग ने मैच अपने नाम कर लिया, कितना टकरे का मुकाबला हुआ, मजा आया आपको मैच देखने का। ये बात तो शोर थी कि भाई जो है ना सीएसके ने जितना आज इस तरीके से ग्राउंड में साल में एक दफा धोनी ग्राउंड में आता है, ठीक है, और थाला थाला के नारे से स्टेडियम गूंज उठता है। देखें जिस तरीके से येलो आर्मी ने आगे कब्जा किया स्टेडियम पे, लेकिन भाई जिस तरीके से सीएसके में बॉर्न स्टार्स खेल रहे हैं और स्पेशली रचिन रविंद्र और मुस्तफिजुर रहमान, देखिए मुस्तफिजुर रहमान क्रिकेट के सर्किट से दूर था, कोई अच्छी परफॉर्मेंस पिछले 6 माह 1 साल में नहीं दी, आरसीबी आया सीएसके में पहली मैच में आके उसने अपना जलवा दिखा दिया। रचिन रविंद्र भाई जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट लेके वो आया था वर्ल्ड कप में,
वही उसने आगे आईपीएल में शो करवाया पहली बार से अटैकिंग क्रिकेट, और यार मजा आ गया। ये होती है लीग क्रिकेट, इसमें इसे कहते हैं कि हाइप क्रिकेट की। देखिए जिस टीम में धोनी जैसे प्लेयर हो वो टीम कभी हार सकती है वलीद, आप खुद देखे ना, हालांकि वो कप्तानी भी नहीं कर रहे थे, महंगी किस्म की जो परफॉर्मेंस वो दोनों दिखा रहे हैं। पिछला मैच जो है वो जितवा दिया, आप क्या नाम है उसका, मुस्तफिजुर ने कमाल की बॉलिंग, 4 विकेट हैं, और साथ में जो आप 15 बॉलों पे 35 रचिन के, और इस मैच में रचिन ने और साथ में शिवम दुबे ने कमाल कर दिया। पहले मैच में 15 बॉलों पे 35 रन, कमाल की बैटिंग आरसीबी के खिलाफ, और अब अगर देखा जाए तो आज के मैच में 20 बॉलों पे 46 रन, ओए होए क्या कमाल लाजवाब किस्म की बैटिंग, जो 6 चौके 3 छक्के, 230 का स्ट्राइक रेट जो रचिन रविंद्रा का, इतने कमाल की बैटिंग, और अनलकी रहा कि स्टंप आउट हो गया, क्रीज में नहीं जा सका वापस, और वो जो पीछे से साहा ने जो उसको आउट कर दिया, और राशिद खान ने अपने दूसरे बॉल पे ही जो है वो रचिन को आउट कर दिया। उसके बाद अगर देखा जाए तो ऋतुराज गायकवाड़ स्टार्ट में इनका कैच जो है वो साई ने जो है छोड़ दिया था, कैच साई किशोर ने मेरे ख्याल में छोड़ा था, ठीक है, उसने कैच छोड़ दिया, उसके बाद जो 36 बॉल में 46, 1 छक्का 5 चौके, और फिर जो बैटिंग किया ना शिवम दुबे ने भाई, कमाल लाजवाब आउटस्टैंडिंग बैटिंग भाई। आप देखें कि जो वो 23 बॉल है 51 रन, जब इस नंबर पे आके कोई बंदा जो है वो 20 बॉलों पे जो है वो 50 बना के आपको दे दे तो आपको और क्या चाहिए, और आप उसको एक बेहतरीन फिनिशर कैसे नहीं बोलेंगे। आप देखें इसने 20 बॉल है 24 रन, और 23 बॉल है 51 रन, 5 छक्के 2 चौके, और 221 का स्ट्राइक रेट, छक्के पे छक्का, और स्पिन बॉलर्स को कितना कमाल का ये खेलता है इसने आज बता दिया भाई, बिल्कुल क्लीन हिटिंग किया इसने। और साथ में जो है वो समीर रिजवी, ये अपना पहला मैच खेल रहा था, सारे वेट कर रहे थे यार कि जो है वो डैरल मिचेल आउट हो जाए और एमएस धोनी बैटिंग के लिए आए, हम जो है एमएस धोनी को बैटिंग करते हुए देखें, लेकिन एमएस धोनी ने अपनी जगह पे समीर रिजवी को भेज दिया कि यार आज प्रेशर वाली सिचुएशन नहीं है, पहला मैच है, और इसे भेज देते हैं, और पहले आते साथ जो है पहले बॉल पे जो है छक्का लगा दिया, और राशिद खान जैसे बेहतरीन बॉलर को, खतरनाक बॉलर को एक ओवर में 2 छक्के आके लगाना इतना आसान काम नहीं होता है, और समीर रिजवी ने ये काम करके दिखाया, और एक ही ओवर में राशिद खान को 2 छक्के लगाए, और उसके बाद जो है ये आउट तो हो गए, इनको जो मोहित शर्मा ने आउट किया, और इनका कैच जो है डेविड मिलर ने पकड़ा, जडेजा ने जो है वो आके जो है वो 1 चौका लगाया, और जो है वो 7 रन जो है जडेजा ने भी बनाया, ठीक है, लेकिन जो है वो जो बैटिंग जो है किया ना आज शिवम दुबे ने, उसने दिल खुश कर दिया। तो देखा दोस्तों किस तरह से चेन्नई सुपर किंग की शानदार जीत पर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं, खास करके महेंद्र सिंह धोनी की। दरअसल मैं आपको बता दूं दोस्तों कि दूसरे लगातार आईपीएल के इस मैच में चेन्नई ने गुजरात टाइटंस को हरा दिया है, और आसानी से सीएसके ने इस मैच को जीत लिया है। हालांकि पाकिस्तानियों को ये भी मलाल है कि उन्हें एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी नहीं देखने को मिली, लेकिन फिर भी सीएसके ने इस शानदार जीत के बाद पाकिस्तानी मीडिया जमकर तारीफ कर रही है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर कीजिए, और इस वीडियो को कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए और बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।